झांसी के तहसील गरोठा उपजिलाधिकारी कार्यालय के सामने पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। वहीं उपजिलाधिकारी गरोठा कार्यालय के सामने भारतीय सेना में शहीद हुए सिपाही के भाई द्वारा न्याय के लिए दर दर भटकने से परेशान उपजिलाधिकारी कार्यालय गरोठा के सामने पीड़ित शिव प्रसाद निवासी डिकौली थाना ARH ने उपजिलाधिकारी कार्यालय गरोठा के सामने पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। कार्यालय में तैनात एक होमगार्ड सुरेंद्र शर्मा की नजर पड़ते ही सुरक्षाकर्मी ने पेट्रोल की बोतल छुड़वाकर जान बचाई है। वही बता दें कि पीड़ित ने बताया है कि गांव के ही दबंग व्यक्ति उसे मकान बनाने से रोक रहे, जो कि वह अपनी निजी भूमि पर निर्माण करा रहे हैं। उसने थाना ARH की पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए, जबकि पीड़ित का भाई भारतीय सेना में अपना बलिदान दिया, लेकिन आज वह न्याय के लिए दर दर भटक रहे। अब देखना यह होगा पीड़ित को न्याय कब मिलेगा या नहीं। हमारा नाम है सिपिन साहब। कहाँ के निवासी हैं आप? टिकोली के। क्या समस्या हो गई आपकी जो आज गरोठा कार्यालय उपजिलाधिकारी के में आए? समस्या ये हो गई, 586 में हम अपनी जमीन में धूमधरी नंबर होगा वहाँ सब पट्टा भाव तो अपने में मकान बना रहे था, तो मकान बनाने से 112 लगा दे तो दरोगा जी वालों बंद करा जा तो वहाँ जा ना तो हमारे कागजात ये कहीं। कौन थाने की पुलिस रोकती है? हाँ, कौन थाने की? एरत थाने की साहब। अच्छा, तो आपको दमन किस्म के व्यक्ति कौन है जो आपको परेशान कर रहे हैं? दमन प्रकार के एक रंजीत है, एक उनके लड़का नारायण दास है, दूसरे दीपक हैं और मेहंद हैं, पंकज हैं। आपके भाई फौज में थे क्या? हाँ, भाई साहब हमारे फौज में थे, मारे गए ड्यूटी में। अच्छा, तो आज आप यहाँ क्या आत्मदाह करने की? आत्मदाह कर रहे हैं, जब सुनाई नहीं हो रही साहब तो हम आत्मदाह कर रहे हैं। हमारे कोई नहीं है साहब, बच्चा छोटे।